जिनको लगता था खत्म हो गया किस्सा हमारा, आओ देखो वापस आ गया बाप तुम्हारा। बराबरी की बात मत कर मेरे दोस्त, हम फंसे हुए थे प्यार के चक्कर में, लेकिन अब हम फाड़ के रख देंगे बहनचोद जो खड़ा हुआ हमारे टक्कर में। मेरे भाई, हाँ भाई, जो कुछ भी था सब कुछ खो चुका हूँ, करके सबका भला, देख मेरे भाई फिर से अकेला हो चुका हूँ। मेरा दिल आजकल हमें गिराने में वही लोग लगे जिनको उड़ना हमने सिखाया। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। इंस्टाग्राम पर जितनी लड़कियां एटीट्यूड दिखाती है उससे तो ब्यूटीफुल लड़कियां हमारे गांव में भैंस चराती है। वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा दिखाएंगे। चुप रहता हूँ फिर भी लोग जलते हैं, हम अपनी खामोशी में इतना दम रखते हैं। जिम भी एक नशा है और आजकल हम बहुत नशे में। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे नहीं मैडम, बाढ़ में क्या प्यार व्यार, ये लव वो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। बचपन से ही मैं गुस्से का काफी तेज, एक बार अगर मूड खराब हो जाए ना मेरा फिर कंट्रोल में नहीं आता। एक बार बता दिया होता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, कसम खुदा की तुम्हें मुड़ के नहीं देखता। वो कहती थी मेरा छोड़ जाने के बाद तुम बर्बाद हो जाओगे, ले देख मेरी बर्बादी। तुम अगर हमें खरोच दोगे तो जख्म हम इतना गहरा देंगे सात पुश्ते याद रखेंगे। वो कहते ना खुद को स्पेशल समझो, खुद को स्पेशल समझो क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं करता। जिंदगी में इतना खुश रहना है कि किसी का बाप भी हमें ना रुला पाए। ना ना ना, अकड़ नहीं डार्लिंग, इसी अकड़ के चक्कर में तो आज भी हमारे आधे खानदान से बोल चाल बंद है। उसने कहा मत देख मेरे सपने उतनी तेरी औकात नहीं। उसने कहा मत देख मेरे सपने उतनी तेरी औकात नहीं। हमने भी मुस्कुरा कर कहा आना है तू सपनों में, हकीकत में तो तेरी भी औकात है। वो बोल रही थी मेरा वाला तुम्हें घर से उठा लेगा, अब उसका वाला घर से नहीं निकल। मैं तो कहता हूँ आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे अगर आप रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे। Exactly. मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू और सफल रहा तो एक दिन सबके सामने रोकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा सफल रहा तो फिर किसी से नहीं बताऊंगा, अकेले बैठ कर रो लूंगा, बट मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। वो मैं जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत वो बस चलते नहीं है भागते हैं। जरूरत, मेहनती मजदूर और माँ, ये सब सूरज से पहले जागते हैं। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। दिल में कितना प्यार था अगर वो जान लेती तो क्या बात होती। दिल में कितना प्यार था अगर वो जान लेती तो क्या बात होती। हमने तो मांगा था उनको खुदा से, अगर वो मांग लेती तो क्या बात होती। बात ईगो या घमंड की नहीं है दोस्त, जो इंसान मुझसे बात करना पसंद नहीं करता तो मैं भी उससे बात करना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। जिसके अंदर दम होता है ना कहता नहीं, वो करता है। उसको घमंड था अपनी खूबसूरती पर, हम सांवले थे मगर दिल के सच्चे थे, जल्दी आएगा उसकी भी समझ, हम जैसे थे मगर अच्छे थे। इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तो है, आज लिख लो दर्द से भागना नहीं, दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, लोगों की जान कट जाती है जब हम महफिल में कदम रखते हैं।
एक लड़का ही होता है जो सब कुछ सहने के बाद भी कहता है मैं ठीक हूँ। हमसे रिश्ता बनाए रखना मेरे दोस्त, हम वहाँ काम आएंगे जहाँ सब छोड़ जाएंगे। मुझे जो धोखे मिले हैं वो मेरी गलतियों की वजह से मिले हैं, अब मुझे कोई धोखा नहीं देता, अब मैं अकेले रहता हूँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। पर्सनालिटी ऐसी रखोगे रिश्तेदार खुद आकर बोले हमारी बेटी आपको पसंद करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करो, ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है कि नहीं? और ये हकीकत है दुनिया की, तुम जिसे जितना अपना समझोगे वो तुम्हें उतना ही पागल समझेगा। हर चलती फिरती बच्ची पे लाइन मारे, इतने भी सस्ते शौक नहीं रखते हम। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता, बाज नहीं। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। बात नहीं करनी मुझसे तो बता दो, मुझे इनकार पसंद है, इंतजार नहीं। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे। आजाद परिंदे मेरे दोस्त, किसी परी के गुलाम नहीं। जब तुम लोगों को पता है लड़कियां धोखा देती है, तो लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? टाइम के लिए कैसा बॉडी बनाएगा? कैसा बॉडी? क्या बॉडी दी? हाँ बॉडी जिम जो बॉडी बनाओ, बॉडी ऐसे ऐसे बॉडी। अरे अच्छा ही हुआ तूने छोड़ दिया मेरी जान, तेरे साथ होते तो आज यहाँ नहीं होते। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन, तो हमसे क्या हमारे साय से घबराएगा उस दिन। आप बस खुद पर ध्यान दें, क्योंकि लोग सिर्फ आपका मजाक बना सकते हैं, आपकी जिंदगी नहीं। अब मेहनत दिन रात करना है, किसी को औकात दिखाने का वक्त आ गया है। बुरे काम हम करते नहीं और किसी के बाप से हम डरते नहीं, पता ही क्यों? क्योंकि तेरा पैसा खाते नहीं और तेरा बाप का हम उड़ाते नहीं। क्या तुम मुझे मिस करते हो? अरे मिस करने की तो दूर की बात है मेरी जान, मैं तो किसी को मिस कॉल तक नहीं करता। सबर कर, सबर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा तो आएगा। कहते हैं कि मोहब्बत और मौत दोनों की पसंद भी अजीब है, एक को दिल चाहिए और एक को धड़कन। आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जेब नोटों से भरी रखो, अपनी जेब नोटों से भरी रखो, ये सच्ची मोहब्बत जगह जगह से मिलेगी। क्या हुआ, लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया? हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना अब इस नए साल से होगी। मेरे भाई अगर जिम करना इतना ही आसान होता तो हर एक मोहल्ले में बॉडी बिल्डर घूम रहा होता। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है,
और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। करते अगर जिस्म से मोहब्बत तो इन आंखों से आंसू नहीं बहते। सच्ची मोहब्बत की थी इसलिए दर्द में है। टाइम पास किया होता तो हम भी खुश रहते। ए खुदा, ए खुदा। जहां तक मुमकिन था तुम्हारे पीछे भागा मैं, अब इसके आगे तुम्हारी बदनसीबी। करते अगर जिस्म से मोहब्बत तो इन आंखों से आंसू नहीं बहते। सच्ची मोहब्बत की थी इसलिए दर्द में है। टाइम पास किया होता तो हम भी खुश रहते। ए खुदा, ए खुदा। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन। तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लड़की तुम्हें देख के बोले ये सख्त लौंडा है, ये नहीं पटेगा। भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, भले दोपहर का खाना खाना पड़े शाम को, 2024 में इतनी मेहनत करूंगा ब्रो, ब्रांड बना दूंगा अपने नाम को। अरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ। किताबों में धूल लगने से कहानियाँ खत्म नहीं होती। बस तुम हमारा वक्त आने दो, तुम्हें तुम्हारी औकात के साथ खरीद लेंगे। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। कि अगर तू दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त, ये कलयुग है। मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी। मर गया जो तेरे प्यार में मरने वाला वो शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। मंजिल अगर आसमान पर है तो मुझे उसे उतारना होगा, अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। एटीट्यूड इतना है कि अपनी पसंद की चीज को भी दिल से उतार देता हूँ, तो तुम किस घमंड में हो। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। कायम रहता है।